नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट बनाया है। इसका नाम है हलवा घीकवार। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही लाजवाब है और खाने में भी स्वादिष्ट है। बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो खाने में भी अच्छा लगे और नॉर्मल बंदा भी उसे यूज कर सके। जिस भाई को किसी तरह की कोई समस्या ना हो वो भी यूज कर सके, जिसे समस्या हो वो भी यूज कर सके। तो दोस्तों, इसके फ़ायदों के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ, मैं ये छोटे डिब्बे मैंने ये पैक किए हैं, ये कुछ बड़े हैं, एक एक किलो वाले डिब्बे हैं, और ये दोस्तों ढाई ढाई किलो इन डिब्बों में भरा गया है। तो ये दोस्तों खास करके उनके लिए है जिनके शरीर में दर्द हो, शरीर में दर्द रहता हो, स्वपन दोष से आई कमजोरी हो, दांत से आई कमजोरी हो, उन कमजोरियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी जो जितने भी रोग पित्त से या कफ से उत्पन्न होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको प्रोसेस बता दूं, इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले तो आपको लेना है घीकवार का गुद्दा। घीकवार का गुद्दा आपको लेना है एक किलो, और नंबर दो आपको लेने हैं छुहारे। छुहारा दोस्तों अच्छी क्वालिटी का छुहारा लेना, हल्का वाला नहीं लेना। छुहारा आपको लेना है दो किलो। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, बारीक कर लें। उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये 10-10 ग्राम इनमें मिलानी है। सबसे पहले आपको लेना अखरोट 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, तालम खाना, तज, सालम मिश्री, खुलंजान, दालचीनी, सौंठ, शतावर, शकाकुल मिश्री, लौंग, कूट मीठी, मालकांगनी, बादाम, गोले का बुरादा, सफ़ेद मूसली, सिंबल की जड़। दोस्तों सिंबल की जड़, छोटे पेड़ की जो जड़ हो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, कोशिश करें आप वही डालें। सत नींबू, सत लोबान, कैबड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले छुहारे और घी कुआर को देसी घी में भून लेना है। देसी घी आप ज़रूरत के हिसाब से ले लें। उसमें भूनने के बाद आपको इसमें लगभग हमारा घी कुआर और खजूर या छुहारा, ये हमारे 3 किलो मटेरियल हो गया, तो इसमें आप लगभग लगभग 3 किलो ही मावा डाल दें। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह घी में भून के बाकी बची हुई जड़ी बूटियाँ आप इसमें डाल दें, और ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें शहद या मिश्री मिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको हलवा घीकवार 20 से 50 ग्राम तक दिन में 2 बार दूध के साथ खाना है। दोस्तों ये कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी और लाजवाब चीज़ है, और अगर आपको ये चीज़ हमारे द्वारा मंगवानी हो तो आप हमारे द्वारा भी इसे मंगवा सकते हैं, या खुद बनाना चाहें तो आप खुद भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।